हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास. आज हम लोग अपनी एक जीएसटी में इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये चैप्टर आज स्टार्ट होगा, आज ही एंड हो जाएगा. जी, क्या है ये चैप्टर? ऑडिट अंडर जीएसटी. ऑडिट की अगर बात आती है तो हमें ये याद रखना है, इन टोटालिटी ऑडिट तीन तरह से होती है. सर, जब हम लोग ना सेक्शन 65, सेक्शन 66 देखते हैं ना, जब हम लोग सेक्शन 65 और 66 देखते हैं ना, तो हम लोग को केवल दो तरह की ऑडिट नज़र आती है, एक ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़ और एक स्पेशल ऑडिट. ये जो ऑडिट होती है ना, स्पेशल ऑडिट, ये सीए और सीएम में करते हैं. कौन करते हैं? सीए एंड सीएम में कोई एक करता है. चलिए ठीक है सर. सेक्शन 65 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग रूल है दैट इज़ 101, और जो स्पेशल ऑडिट का कॉरेस्पॉन्डिंग रूल है दैट इज़ रूल नंबर 102. लेकिन हमें ना तीन तरह की ऑडिट पढ़नी है. सर, ऐसे कैसे हो सकता है? ऑडिट में दो तरह की ऑडिट बताई गई है, सेक्शन 65, सेक्शन 66. व्हाइल यू आर सेइंग दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑडिट, अगर मैं बात करूँ सेक्शन 35(5) की, सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 की, उसने भी ऑडिट के बारे में बोला है. बेसिकली वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है, टर्नओवर बेस्ड ऑडिट जिसको कहा जाता है. क्या कहा जाता है? टर्नओवर बेस्ड ऑडिट जिसको कहा जाता है, यानी टोटल मिलाकर अगर मैं बोलूं, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑडिट्स. द फर्स्ट वन इज टर्नओवर बेस्ड ऑडिट, नॉर्मल ऑडिट एंड स्पेसिफिक ऑडिट. अगर हम बात करें तो टर्नओवर बेस्ड ऑडिट जो सेक्शन 35 में बताया गया है, वो सीए एंड सीएम में कर सकता है, और ये रजिस्टर्ड पर्सन खुद अपॉइंट करता है. यानी मैं अगर टैक्सेबल पर्सन हूँ, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, और मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया है, अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया है, तो मैं खुद एक सीए या सीएमए के पास जाऊँगा. सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसके पास जाऊँगा और मैं कहूँगा मेरे फर्म का ऑडिट कर दो, जीएसटी ऑडिट चाहिए. वो अपनी रिपोर्ट देगा, मैं उसको सबमिट करूँगा. दिस इज योर टर्नओवर बेस्ड ऑडिट, दिस इज योर टर्नओवर बेस्ड ऑडिट. 2 करोड़ का टर्नओवर फिक्स किया गया है. अच्छा सर, लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूं दे आर डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ मोर ऑडिट, द फर्स्ट वन इज ऑडिट बाय स्पेशल अथॉरिटी या ऑडिट बाय जीएसटी अथॉरिटी, ऑडिट बाय जीएसटी अथॉरिटी. तो ऑडिट कौन करता है? सर, यहां ऑडिट जीएसटी ऑफिसर खुद आकर करेगा. हाँ, ये खुद करेंगे. ये क्या करेंगे? खुद करेंगे. तो सर, ये जो एक ये ऑडिट है, स्पेशल ऑडिट, ये कौन करता है? ये जीएसटी ऑफिसर अपॉइंट करते हैं एक सीए या सीएमए को. मेरी बात ढंग से समझें, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एक्सीड कर जाता है 2 करोड़ के ऊपर, मैं खुद सीए सीएमए को ढूंढूंगा. भाई सीधी सी बात है, इधर समझें, ये रजिस्टर्ड पर्सन है और ये जीएसटी अथॉरिटी है. ये खुद सीए सीएमए को ढूंढता है. ये सेक्शन 35(5) के अकॉर्डिंग चलेगा, जबकि जीएसटी अथॉरिटी दो तरह से ऑडिट करवाती है, सेक्शन 65 एंड सेक्शन 66 से. क्लियर हो रहा है? यहां पर भी हमें सीए और सीएमए के ऊपर बेस्ड रखना है, भले ही वो अथॉरिटी करवाती है, और यहां पर जीएसटी ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर खुद ऑडिट करता है. तो ऑडिटर कौन है यहां पर? एक रजिस्टर्ड पर्सन खुद सर्च करता है, वो सीए और सीएमए को सर्च करेगा, सीए और सीएमए को सर्च करेगा, जबकि सेक्शन 65 में ऑफिसर खुद ऑडिटर बन करके आता है, और सेक्शन 66 में ऑफिसर अपॉइंट करता है एक सीए या सीएमए को ऑडिट करने के लिए. इसके लिए दो कंडीशंस बताई गई हैं, लेटर ऑन विल चेक इट और सी दैट. ये समझ में आया? तीन तरह के हैं फिलहाल जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हैं तो दोनों, लेकिन इन दिस चैप्टर आई विल डिस्क्राइब ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ ऑडिट. तो सबसे पहले उसी की स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले सेक्शन 35(5) की.
नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जीएसटी ऑडिट विल अप्लाई एवरीवेयर फॉर दोज जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस हैविंग टर्नओवर मोर देन ₹2 करोड़ फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द फाइनेंशियल ईयर। दैट्स इट, 2 करोड़ की एक लिमिट बताई गई है। अगर किसी एसएससी किसी टैक्सेबल पर्सन का जो टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर वो 2 करोड़ को एक्सीड कर जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, तो उस केस में उसको ऑडिट खुद करानी पड़ेगी, टर्नओवर बेस्ड ऑडिट जिसको कहते हैं। जाहिर सी बात है कि इस जीएसटी में हम लोगों ने एसएससी को या कह सकते हैं टैक्सेबल पर्सन या कह सकते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को हमने ईमानदार माना है और उसको कहा है भैया आप सेल्फ असेसमेंट करो, आप अपनी जीएसटी रिटर्न खुद सबमिट करो, सेल्फ असेसमेंट करो, सेल्फ टैक्स लायबिलिटी निकालो और उसको पेमेंट करो, वी रिलाय ऑन यू, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, हम आपके ऊपर कोई हार्डशिप नहीं आने दे रहे। लेकिन चूंकि सब लोग सही तरीके से रिटर्न्स फिलअप कर रहे हैं या नहीं, एक आदमी ने कोई सामान नहीं खरीदा, एक आदमी ने कोई सामान नहीं खरीदा और उसने क्या किया, रिटर्न में दिखा दिया हमने तो इतने सामान खरीदे और इतना हम इसकी क्रेडिट ले रहे हैं। अरे भाई प्रूफ भी तो करो, प्रूफ भी तो करो, हम आपको ईमानदार मान रहे हैं। फ्रीडम इज नॉट फ्री, इट कम्स विद अ स्पेसिफिक अथॉरिटी और यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फुलफिल करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको ना फाइनल रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी, आपको ना ऑडिट करवानी पड़ेगी अगर आपका स्पेसिफिक आपका टर्नओवर स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर बन जाता है, तो उस केस में उसके ऊपर कुछ हार्डशिप डाली गई। हार्डशिप क्या कहें, ये कह सकते हैं उसको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि जो भी उसने साल भर में मंथ वाइज रिटर्न सबमिट की हैं और पेमेंट किया है दैट इज इन अकॉर्डिंग इन द लॉ, ठीक है ना, इन लाइन विद द लॉ। तो ये है चीजें। अब आते हैं, 3 तरह की ऑडिट्स होती हैं, ये हमने देख लिया। टर्नओवर बेस्ड ऑडिट इसी को कहते हैं, 2 करोड़ की लिमिट फिक्स की गई है, या तो सीए करेगा ऑडिट या तो सीएमए करेगा, और ये 12 महीने का मतलब जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च को एंड होता है, दैट्स इट। क्वालिफिकेशन क्या होता है, नॉर्मली अगर मैंने कभी बीच में बोला हो तो ठीक है, अदरवाइज ये समझ लें कि एक सीए सीएमए की क्वालिफिकेशन क्या होती है। एक कंपनी का एक फर्म का इंटरनल ऑडिटर उसका जीएसटी ऑडिटर नहीं बन सकता। मैं किसी कंसर्न का इंटरनल ऑडिटर हूं, मैं जीएसटी ऑडिटर बन जाऊंगा? नहीं, ये याद रखना है। अच्छा, इसमें एक और पंगा है, ये है आपका, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर ऑडिट नहीं कर सकता, जीएसटी प्रैक्टिशनर ऑडिट नहीं कर सकता। सर कहां है इसमें, इसमें तो आपने कहा सीए या सीएमए प्रैक्टिस ऑडिट करेगा, तो जीएसटी प्रैक्टिशनर कहां से आ गया? अरे कई सीए कई सीएमए ने जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई कर रखा है एंड दे आर प्रैक्टिसिंग एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर, तो उनको भी भले ही वो सीए या सीएमए हो, उनको भी मना किया गया है कि भले ही आप सीए या सीएमए हैं बट ड्यू टू हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर यू आर नॉट अलाउड टू कंडक्ट योर जीएसटी ऑडिट। द पावर टू ऑडिट इज ग्रांटेड ओनली टू सीए और सीएमए हु इज इन प्रैक्टिस और इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट, देयरफॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर फॉर द पर्पज ऑफ इश्यूइंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। ओके, जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट, सॉरी, ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? जी सर। अब आते हैं, ये तो हमें आपको बताना था एक्स्ट्रा सेक्शन 35(5) के हिसाब से ऑडिट। अब आते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स, क्लियर, अदर देन दैट नॉर्मल ऑडिट दैट इज कंपलसरी, अगर आपकी लिमिट 2 करोड़ के ऊपर हो जाती है दैट मस्ट बी डन। लेकिन 2 ऑडिट्स और बताई गई हैं, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी नॉट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी हम इसको ध्यान देने जा रहे हैं। कहता है सेक्शन 65 अथराइज करता है ऑडिट बाय कमिश्नर और कोई अथराइज्ड ऑफिसर जो कि उस कमिश्नर द्वारा अथराइज किया गया हो, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का, केवल और केवल रजिस्टर्ड पर्सन का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना था लेकिन आज तक वो अनरजिस्टर्ड है तो उसकी ऑडिट नहीं हो सकती। सेक्शन 65 में अथॉरिटी जो ऑडिट करेगी वो केवल उसी का करेगी जो रजिस्टर्ड हो, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट नहीं हो सकता सेक्शन 65 के हिसाब से। द कमिश्नर में इश्यू अ जनरल ऑर्डर और स्पेसिफिक ऑर्डर टू अथराइज ऑफिसर टू कंडक्ट सच ऑडिट, ठीक है सर आगे बढ़िए। अच्छा, जो ऑडिट होगा वो एक फाइनेंशियल ईयर का होगा और पार्ट देयर ऑफ का होगा या मल्टीपल देयर ऑफ का, 2 साल का, 3 साल का, जैसा भी हो, 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, फॉर स्पेसिफिक पीरियड का भी हो सकता है। द ऑडिट विल बी कंडक्टेड एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन और ऑफिस ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज, यानी इसके लिए ये तय नहीं है कि ऑडिट कहाँ होगा,
ये तय करना कमिश्नर का काम है कि कहां पर ऑडिट करना है, रजिस्टर्ड पर्सन के प्रीमाइसिस में ऑडिट करना है या फिर टैक्स अथॉरिटीज की ऑफिस में ऑडिट करना है। इंटीमेशन ऑफ ऑडिट, 15 दिन पहले ही इंटीमेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सीधे पहुंच जाओ कह दो कि भैया हमें आपके यहाँ ऑडिट करनी है, ना 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 ना, आप ऐसे ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट देम नो, लेट द टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन नो अबाउट द टैक्स, अबाउट द ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 65। तो उसके लिए हमें 15 दिन का क्या करना पड़ेगा, 15 दिन का एडवांस में आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सीधे धमक जाओ और बोल दो हमें तो आपके यहाँ ऑडिट करनी है, ना 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 ना, आप ऐसे ऑडिट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे भैया उसको जानने तो दो कि भैया आपके यहाँ ऑडिट की टीम आने वाली है, या आप अपनी बुक्स लेकर के ऑडिट ऑफिस टैक्स अथॉरिटी के ऑफिस में पहुंच जाइए, ये प्लेस है जहां पर ऑडिट होनी है। तो बेचारा वो काम करेगा, अपने सारे रिकॉर्ड तैयार करेगा, तभी तो आप ऑडिट करवा पाएंगे, वो ऑडिट करवा पाएगा और आप ऑडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो 15 दिन हमको उसको एडवांस में समय देना पड़ेगा और ये समय जीएसटी ADT 1, ADT मीन्स ऑडिट नंबर 1 पर हमें उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। ओके, जो ऑडिट कंप्लीट होगा 3 महीने के अंदर कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। अब ये फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का क्या मतलब है, वो यहां बताया गया है। ये है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, विच एवर इज अर्लियर, दो डेट्स हैं, इन दोनों में से जो पहले होगा दैट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट कही जाएगी। और जिस दिन ये कमेंसमेंट होगा, इन दोनों डेट्स में से जो डेट पहले होगी वहां से 3 महीने के अंदर अंदर हमको हमको 3 महीने के अंदर अंदर हमको ऑडिट कंप्लीट करेंगी, विच में बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ। मैक्सिमम 6 महीने के लिए और एक्सटेंड की जा सकती है ये ऑडिट पीरियड, यानी 3 महीने के अलावा 6 महीने और दिया जा सकता है, यानी टोटल 9 महीने एक्सटेंड करके जा सकता है। ये वर्स्ट सिचुएशन है, यानी ऐसा नहीं है कि 6 महीना नॉर्मल केस में, नॉर्मली 3 मंथ्स के अंदर ऑडिट कंप्लीट हो जानी चाहिए। दिस इज द टाइम फ्रेम विच इज गिवन टू द टैक्स अथॉरिटी। इसका मतलब ये नहीं किसी की बिजनेस की प्लेस रजिस्टर प्लेस पर बैठ गए और कहो 6 महीने तक हम ऑडिट करेंगे, बेचारा वो बिजनेस क्या करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में बैठ गए और ऑडिट पे ऑडिट किए जा रहे हैं, साल भर खाना पीना चल रहा है, भैया कुछ नहीं चलने वाला, आप ऑडिट करिए, टाइम फ्रेम 3 महीने का बना हुआ है, उसको बिजनेस करने दीजिए। हाँ, अगर आप कहते हैं टाइम एक्सटेंड करो कमिश्नर, या उसके कमिश्नर अगर लगता है कि ये एक्सटेंड करना चाहिए तो हाँ किसी सिचुएशन में वो एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको रीजन बताना पड़ता है, क्योंकि टाइम फ्रेम सेट करने का मतलब ये है कि वो क्यों 6 महीना और बढ़ाना चाह रहा है। द कमिश्नर नीड टू रिकॉर्ड रीजन राइटिंग फॉर ग्रांट ऑफ सच एक्सटेंशन, तो उसको रीजन देना पड़ेगा, विदाउट रीजन वो टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते। अच्छा, कमेंसमेंट कब से माना जाएगा और उससे 3 महीना और 9 महीना या 6 महीना कब से काउंट किया जाएगा, तो कहा गया कि ये जो हमारा कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट है, जिस दिन हमने कहा था कि रिकॉर्ड ले आओ और सामने वाला रिकॉर्ड लेकर पहुंच गया पहला, या एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस, या जिस दिन ऑफिसर की टीम हमारे ऑफिस में पहुंच गई या मैं बुक्स लेकर के पहुंच गया। तो पहला, जिस दिन हमने बुक्स अवेलेबल करवा ली अथॉरिटीज को, या जिस दिन वो हमारे रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे आकर के ऑडिट करना स्टार्ट कर दिए। तो दोनों में से जो पहले हो, हमने बुक्स दे दी तो भैया ये स्टार्ट हो गया डेट, ऑडिट का डेट स्टार्ट हो गया, आपने हमसे मांगा था बुक्स, ये लो अब ऑडिट करो, बात सीधी सी बात है। तो दिस इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, वो आकर बैठ गए और कह रहे हैं बुक्स तो हम 10 दिन बाद मांगेंगे। अरे भैया काय के लिए 10 दिन बाद मांगेंगे, ये 10 दिन भी काउंट करो उस 3 महीने में, बात समझना। तो विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो, देखो SSC को या रजिस्टर्ड पर्सन को हरास नहीं किया गया है, उसके ऊपर टेंशन कम से कम दी गई है। अच्छा सर ऐसे कैसे, ऑडिट भी हो रही है आप कह रहे टेंशन नहीं, अरे भाई पहले वाला सिस्टम समझ लो ना, पहले क्या होता था हर साल असेसमेंट करवाना पड़ता था SSC को या रजिस्टर्ड पर्सन को, वो कितनी बड़ी टेंशन की बात होती थी, हर साल असेसमेंट। यहां तो आपका सेल्फ असेसमेंट किया जाता है, जरूरी नहीं कि ये ऑडिट हो, 100 में 90% 95% लोगों के साथ तो ये ऑडिट होगी भी नहीं, ये एक स्पेसिफिक केस में ही ऑडिट होती है जहां पर कमिश्नर को लगता है कि ऑडिट कराना जरूरी है तो वो ऑडिट करवाएगा, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज। हरासमेंट का है, और उसमें भी जो प्रोविजन बनाए गए हैं ऐसे प्रोविजन नहीं बनाए गए हैं वो सुविधा को देखते हुए, या तो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस या तो टैक्स अथॉरिटी के ऑफिस में होगा ऑडिट, बात खत्म। अगर कोई बिजनेसमैन कहता है नहीं हम आपके प्रीमाइसेस में, तो ऐसा कोई अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो ठीक है एक तरह से यही हुआ कि हम आपकी सुविधा को देखते हुए काम करेंगे, या कन्वीनियंस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा, ठीक है ना।
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑथराइज ऑफिसर में रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड पर्सन, अच्छा जब वो ऑडिट के लिए पहुंचेंगे तो ये रजिस्टर्ड पर्सन की जिम्मेदारी बन जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बुक्स को प्रोवाइड करवाए, डिटेल्स प्रोवाइड करवाए जो उनसे बिल वाउचर आईटीसी रजिस्टर मांगा जाए, स्टॉक रजिस्टर मांगा जाए वो उनको अवेलेबल करवाया जाए और उनको पूरी की पूरी फैसिलिटेट किया जाए इन सब चीजों से, ना नुकुर ना की जाए, कोई चीज देने में देरी ना की जाए, मेरी बात समझिए, उनको पूरा असिस्ट किया जाए। प्रॉपर ऑफिसर में इन्फॉर्म डिस्क्रिपेंसीज टू रजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन उसको रिप्लाई देगा। भाई ऑडिट करने जाते हैं ये नहीं दिमाग में रख करके जाते हैं सामने वाला तो चोर उचक्का है, तो अगर ऑथोरिटीज आ रही हैं ऑडिट करने देन दे डोंट हैव एनी मैलाफाइड इंटेंशन कि हमको तो इसको चोर साबित करना है, ना 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 ना, यहाँ सेल्फ असेसमेंट हुआ है, वो ऐसा शक लेकर के हमारे पास नहीं आ सकता। जब वो आते हैं हमारे यहाँ ऑडिट करते हैं और कोई उनको डिस्क्रिपेंसीज मिलती है देन फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल ट्राई टू रेज देयर क्वेश्चन टू अस एंड दे जस्ट वॉन्ट टू गेट द आंसर और रिप्लाई फ्रॉम आर साइड, इफ दे आर सेटिस्फाइड विद आर रिप्लाई देन दे विल प्रोसीड फर्दर, तो उस मैटर को वहीं लेट इट बी, उस पर फिर कोई पॉइंट उठाया नहीं जाएगा। कहने का मतलब ऑडिट हो रही है अगर कोई पॉइंट सामने आता है तो वो डिस्कशन या कह सकते हैं जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं उनकी प्रॉपर रिप्लाई और उसको राइट करना पड़ता है ऑफिसर को कि भैया आपने से हमने ये क्वेश्चन पूछा, आपने ये जवाब दिया, मेरे हिसाब से ये जवाब सेटिस्फैक्ट्री है, हम आगे बढ़ते हैं, वो रीजन देकर के आगे बढ़ जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर फाइनलाइज फाइंडिंग आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द रिप्लाई, मैंने यही बोला ये ऑडिट का तरीका है नॉर्मल कोर्स में। ऑन ऑडिट कंप्लीशन इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग द फाइंडिंग ड्यूरिंग द ऑडिट इन जीएसटी एडीटी 2। जीएसटी एडीटी 1 में उससे कहा गया हम ऑडिट करने आ रहे हैं, जीएसटी एडीटी 2 में कहा जाएगा कि हमने ये तरीके ये चीजें निकाली हैं आपकी ऑडिट में और ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, आपने इतना टैक्स क्रेडिट गलत से लिया है या इतना टैक्स शॉर्ट पे किया है, अब आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा और उसके ऊपर डिमांड का सिस्टम डिमांड और पेनल्टी सेक्शन 73 एंड 74 अप्लाई हो जाएगा। अब समझ में आई पूरी कहानी सर, बहुत आसान है कहानी। कहानी में ये आपने बताया एक टैक्स अथॉरिटी अपने ऑफिस में बैठा हुआ है कमिश्नर, उसको लगता है कि हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन या रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट करवाना जरूरी है, तो वो खुद या अपने किसी ऑथराइज ऑफिसर को भेज देगा ऑडिट करने के लिए, भेज नहीं देगा, उसको एडीटी 01 रिलीज करना पड़ेगा एसेसिंग रजिस्टर्ड पर्सन को कि आपकी ऑडिट होने वाली है 15 दिन के पहले, इस तारीख से हम लोग ऑडिट करने आ रहे हैं। तो वो अपनी तैयारी करके रखता है, ऑफिसर उनके प्रीमाइसेस में पहुंचते हैं या रजिस्टर्ड पर्सन ऑफिसर के प्रीमाइसेस में पहुंचता है टैक्स अथॉरिटी में। अब वहां पर ऑडिट दोनों में से किसी भी जगह ऑडिट का काम स्टार्ट होता है, वो अपनी फाइंडिंग्स निकालेंगे, डिस्क्रिपेंसीज के बारे में पूछेंगे और वो उसका रिप्लाई देगा, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो उसका डिमांड रेज किया जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है। हाँ ये याद रखना है 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो उसको 6 महीना और एक्सटेंड किया जा सकता है, जो भी उसकी डिमांड वगैरह निकलेंगी वो एडीटी 02 में उसको सेंड की जाएंगी, शेयर नहीं सेंड की जाएंगी, दैट्स इट। अच्छा एक लाइन जो मैंने रेड कलर से लिखी है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ढंग से सुनेंगे, ऑडिट कैन नॉट कंक्लूड ऑटोमेटिकली रिजल्टिंग इन अ डिमांड, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज नेसेसरी फॉर अ वैलिड डिमांड टू बी रेज्ड। अब हुआ क्या है, मान लो एक बंदा है जिसको सीजीएसटी देना था 2 मिनट के लिए, उसने टैक्स दे दिया है, गलत तरीके से दिया है, कैसे भी दिया है, उसकी बुक्स में दिख रहा है कि उसने दिया है, एक्चुअल में दिख रहा है कि उसने पेमेंट किया है, लेकिन अब वो एक्चुअल में पेमेंट तो कर चुका है लेकिन वो सिस्टम सही नहीं है उसके पेमेंट करने का, उसके HSN कोड का या उसकी कुछ दूसरी फॉल्टी चीजें हैं, तो हम ये प्रूफ तो नहीं कर सकते कि हाँ हमने पेमेंट किया है उसी का, लेकिन अगर वो कहीं से कोरिलेट हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ वो प्रॉपर प्रूफ दे रहा है, ये उसका पेमेंट है, उसके अगेंस्ट पेमेंट है, तो ये पेमेंट मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिपेंसी पाई गई तो तुरंत टैक्स लगा दो, अरे भाई इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड शैल बी यूज्ड, कितनी बड़ी बात बोली है जरा ये भी सोच लो। ऐसा नहीं है कि आप एक रोबोट की तरह काम करें, नहीं तो नहीं हाँ तो हाँ, वहां आपको भगवान ने रैशनल पावर दिया हुआ है, उसको आप यूज करके आप अपना काम करेंगे, ये चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है ये था ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, अब लास्ट सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट और रूल 102, इन दोनों के बारे में, इन दोनों में हमारे स्पेशल ऑडिट के बारे में बताया गया। सर स्पेशल ऑडिट क्या होता है, ये 2 केसेस में हो सकती है, जहां पर ऑफिसर को लगता है कि वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड, यानी जो एसएससी है यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन है उसने अपनी वैल्यूएशन ठीक तरीके से नहीं की,
या क्रेडिट अवेल्ड इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट। ढंग से सुनेंगे, केवल ये दो रीजंस की वजह से, केवल और केवल दो रीजंस की वजह से, केवल और केवल इन दो रीजंस की वजह से कि वैल्यू सही तरीके से डिटरमाइन नहीं की और क्रेडिट अवेल्ड इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट, तो उसने क्रेडिट गलत तरीके से अवेल की है। क्लियर है, वैल्यूएशन एंड क्रेडिट अवेलमेंट गलत है, वैल्यूएशन गलत है, क्रेडिट अवेलमेंट गलत है, वैल्यूएशन गलत है और क्रेडिट अवेलमेंट गलत है। तो अगर ये दो चीजों में कोई कमी पाई जाती है या दोनों में कमी पाई जाती है तो वहां पर सर्विसेज ली जाती हैं किसी सीए और सीएस की, सॉरी सीए और सीएमए की, सीएस अथराइज नहीं है। चलिए ये भी चीज अच्छी है कि सीएस मुंह से निकल गया बाय फॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट ये कह सकते हैं, बाय फॉल्ट नहीं बाय डिफॉल्ट, आदत होती है ना हम लोग सीए सीएस सीएमए, तो सीए के साथ हमेशा सीए आगे आ जाता है, सीएस आगे आ जाता है, उसके बाद सीएमए आता है। तो फिलहाल सीएस इज नॉट अथराइज पर्सन टू डू द ऑडिट अंडर जीएसटी सिस्टम। तो यहां पर क्या है, अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कौन होंगे, या तो सीए होंगे या तो सीएमए होंगे, उनको ये परमिशन दी जाएगी ओनली व्हेन द ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन, अगर उसको लगता है, नाउ द ओपिनियन वर्ड इज गिवन, इट मींस कि अगर वो डाउट में है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, पेंडेंसी चल रही है केस की और उसको लगता है कि जो केस है हमारे यहाँ उसका ना वैल्यूएशन सही नहीं है या उसने लिमिट जो आईटीसी है उसकी लिमिट के तहत काम नहीं किया है नॉर्मल लिमिट, तो उसके लिए वो सीए या सीएमए के एक्सपर्ट व्यू को ले सकता है, यानी उनको कह सकता है स्पेशल ऑडिट करने के लिए। कंसीडरिंग द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, यानी बिजनेस का जो नेचर है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज्यादा है, जटिल है, ट्रांजेक्शन्स बहुत जटिल है, ये नॉर्मल असेसिंग ऑफ अथॉरिटी के बस की बात नहीं है, तो वो एक एक्सपर्ट यानी कि सी और सीएमए का वो रेफर कर सकते हैं केस को अगर वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है और अगर जो क्रेडिट है वो नॉर्मल लिमिट्स के बाहर ली गई है तो, अवेल की गई है तो। एन असिस्टेंट कमिश्नर, क्या बोला मैंने, एन असिस्टेंट कमिश्नर हु नर्सेज एन ओपिनियन ऑन द अबाउट टू एस्पेक्ट्स After commencement and before completion of any scrutiny, inquiry, investigation or any other proceeding under this act, so during the pendency of the case, may direct a registered person ADT3. वहाँ क्या था ADT1 और ADT2? ADT1 में कहा गया था audit करने आ रहे हैं, यहाँ भी ADT3 में कहा जाएगा भैया सीए इसकी books of accounts की audit करो, भैया सीए या भैया सीएमए इसकी books of accounts की audit करो, GST audit. The assistant commissioner needs to obtain prior permission to issue such direction to the taxable person. Important word है direction. Important word है direction. अभी हम लोगों ने जब section 35(5) की audit देखी या section 65 की audit देखी tax authorities द्वारा, तो वहाँ पर हम लोगों ने direction word use नहीं किया था. But this is the first section where we are just going to use the word direction. और जब direction word use होता है, चाहे वो income tax हो चाहे आपका GST हो, दोनों cases में आपका special audit का नाम आ जाता है। और डायरेक्शन का मतलब ये होता है एवन दो द रजिस्टर्ड पर्सन हैज ऑलरेडी गॉट द गॉट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड बाय सीए और सीएमए, एवन दो इफ इफ द अथॉरिटी नीड्स टू गेट द ऑडिट अगेन देन द रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड बाय अ नॉमिनेटेड सीए और सीएमए बाय द टैक्स अथॉरिटीज। ये याद रखेंगे, ये जो नॉमिनेटेड होगा सीए या सीएमए, कौन नॉमिनेट करेगा, सर कमिश्नर नॉमिनेट करेगा, यस और नो, ये कौन नॉमिनेट करेगा, ये कमिश्नर नॉमिनेट करेगा। सीए और सीएमए सो अपॉइंट शेल सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट, काय के लिए अपॉइंट किया था सर, अपॉइंट किया था ना 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 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, जो उसको कहे गए थे पॉइंट वो दो डाउट थे ना उनको दूर करने के लिए, और जो वो रिपोर्ट अपनी देंगे ना वो 90 दिन के अंदर दे देंगे ADT 04 में, वो 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देंगे ADT 04 में। तो ADT 1 में स्पेशल अथॉरिटी अथॉरिटी टैक्स अथॉरिटी ने जो कहा था, रिलीज किया था 15 दिन के अंदर हम आ रहे हैं, वो ADT 1, ADT 2 में फाइंडिंग दी गई थी वहां पर और उसके हिसाब से डिमांड रेस किया गया था, जबकि यहां पर ADT 3 और ADT 4 है। ADT 3 में कहा गया कि भैया सीए भैया सीएमए तुम लोग इस पर्सन का रजिस्टर्ड पर्सन का क्या करो, ऑडिट करो और हमें इसका रिपोर्ट दो, हमें आपसे ऑडिट करवानी है अंडर सेक्शन 66। तो वो रिपोर्ट किस में देगा, ADT 04 में देगा, विदिन 90 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो ये पीरियड थोड़ी याद करना टेढ़ी काम होता है, डेली इसको एक बार देखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, डेली एक मिनट लगता है इस पीरियड को देखने से हमेशा याद रहेगा, भूलने का चांस नहीं रहेगा, एक मिनट से ज़्यादा नहीं लगता कभी भी।
अगर आप छोटा सा समरी बनाकर कॉपी में लगा भी देंगे ना सारी डेट्स का, ऑडिट का, इंस्पेक्शन का, सर्च का, तो वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए डेट्स वगैरह का, और उसको डेली एक बार देखते जाइए तो आपको हमेशा दिमाग में रहेगा। जैसे वहाँ पर 3 महीना और 6 महीना एक्सटेंड हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट सेक्शन 65 में, यहाँ पर फ्रॉम द 90 डेज, 90 डेज हो सकता है, और फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 90 डेज मोर, इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 90 डेज मोर। और उसके लिए एक्सटेंशन के लिए कौन बोल सकता है? सीए बोल सकता है, सीएमए बोल सकता है, सैम नहीं है, सीएमए है। और द रजिस्टर्ड पर्सन कहता है कि भैया एक्सटेंड कर दो, तो कमिश्नर को लगता है उसको एक्सटेंड करना, तो वो 90 दिन को और एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, वो अगर कहता है कि हमने ऑडिट पहले से करवा रखी है उसी को मान लो, तो कमिश्नर कहेगा नहीं भैया नहीं, हम अपनी ऑडिट करवा रहे हैं, स्पेशल डायरेक्शन दे रहे हैं भैया, स्पेशल ऑडिट करवा रहे हैं, वो करवाने दो, तुमने जो करवाया है दैट इज ओके, वी आर नॉट गोइंग टू डिनाई दैट, बट पुट देम असाइड, वी जस्ट वॉन्ट टू हैव स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्सन, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट ऑफ फी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपर्ट, ओके। इट मीन्स जो फीस होगी ना, वो रिमनरेशन जो एक्सपर्ट की होगी वो कमिश्नर द्वारा ही फाइनल की जाएगी और पेड की जाएगी। तो भैया तुम भले एसएससी हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो, किनारे रहो, ये हमको काम करवाना है, करवाने दो, ये रिपोर्ट हमको मिलेगी, हम उस हिसाब से आगे बात करेंगे। लेकिन जो भी रिपोर्ट मिलेगी अगर उसमें आपकी लायबिलिटी बनती है तो हम आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, हम आपको सुनने का मौका पूरा देंगे। दैट्स इट, ये पढ़ लेंगे नोट। इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसा कहीं इस सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है क्या उसको हम कॉपी शेयर करेंगे इंटायर ऑडिट रिपोर्ट की या नहीं। तो कहा गया कि ठीक है, अगर नेचुरल जस्टिस की बात आती है तो वहां पर होना चाहिए, बट इट इज नॉट क्लैरिफाइड विद दिस सेक्शन, बट अकॉर्डिंग टू द नेचुरल जस्टिस यस द मैटर मस्ट बी शेयर्ड विद द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन हुम दिस ऑडिट रिपोर्ट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोज्ड। ओके, दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर ऑडिट चैप्टर। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, और सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, सेक्शन 35(5) की ऑडिट देख ली, सेक्शन 65 देख लिया 101 के साथ, उसी तरह सेक्शन 66 देख लिया 102 रूल्स के साथ। क्लियर है? यहाँ पर रूल्स मैंने अलग नहीं किए, सेक्शन मैंने अलग नहीं किए, वो आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर देता है तैयार करने में मैटर को। अब आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, आपको ADT 01, ADT 02, ADT 03, ADT 04 ये याद रखने हैं, नॉट मोर देन दैट। हाँ, ये याद रखना है कि हम लोग को 3 तरह की ऑडिट होती है, जबकि आप जब अपनी बुक वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर 2 तरह की ऑडिट मिलेगी, सेक्शन 65, सेक्शन 66 की। लेकिन अब से आप याद रखेंगे टर्नओवर बेस्ड ऑडिट ऑलरेडी इम्प्लाइड है जो सेक्शन 35(5) में, उसके हिसाब से भी ऑडिट होती है, वो कंपलसरी होती है अगर किसी की टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो, चाहे वो गुड्स का सप्लायर हो चाहे वो सर्विसेज का सप्लायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चाहता है, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।